हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में जो 16 ग्रुप है, जिसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है, तो उसके एलिमेंटों को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं ट्रिक से, तो उसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 16 ग्रुप जो है, तो इसमें जो भी एलिमेंट है, तो इनको आप ट्रिक से किस तरीके से याद रख सकते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और ये जो ग्रुप है, जो 16 ग्रुप है, उसको ऑक्सीजन फैमिली या फिर चालकोजेंस भी बोला जाता है। तो इनको याद रखने की जो ट्रिक है, आपको यहीं तक ये याद रखने हैं। कहाँ तक रखने हैं ये याद? सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ यहीं तक पूछे जाते हैं। तो इसका जो ट्रिक है याद रखने का, इसका ट्रिक है उस से टीपो, ठीक है जी, उस से टीपो, ठीक है। ओ इसमें हो गया ऑक्सीजन, एस हो गया यहाँ पे सल्फर, एस सी क्या हो गया सेलिनियम, टीपो टी ई हो गया इसमें टेलियम, ठीक है, टेलियम हो गया ये, आर पी ओ पोलिनियम, ये पोलिनियम हो गया। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप 17 ग्रुप को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, उसके बाद जो 18 ग्रुप है उसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, उसके बाद मैं आवर्त आपको बताऊँगा कि जो आवर्त है इनको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है, इसका ट्रिक बताऊंगा। और उसके बाद कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से आपको समझाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा कर क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, रेलवे NTPC CBT 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, तो उसकी कंपाइलेशन वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इसको आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। और वहीं रेलवे ग्रुप भी जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसकी हमने कंपाइलेशन वीडियो अपलोड कर दी 10 घंटे की। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की। और बाकी का अबाउट पे क्लिक करके आप सोशल साइट पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। सोशल साइट जो है उनको आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की बात करें तो यार सचिन भाटी आप डालिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप आपको दी जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।